फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन वो इमेज है जो कि कोई भी स्ट्रेंजर आपको देख के एंड आपसे मिलके अपने दिमाग में फॉर्म कर लेता है। अब इस फर्स्ट इम्प्रेशन को ग्रेट इम्प्रेशन कैसे बनाए, फॉलो दीज 5 बेसिक हैक्स। द फर्स्ट हैक बीइंग क्लीन मेकअप लुक। जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, कोई इंटरव्यूअर है या कोई स्ट्रेंजर है, वेयर मिनिमम मेकअप जो आपके फीचर्स को एक्सेंचुएट करे। यू डोंट हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मेकअप फॉर दिस, यू कैन सिंपली स्टिक टू द बेसिक्स लाइक मी। मैंने 200 रुपीस का आई शैडो क्वाड लिया जिसमें न्यूट्रल कलर्स हैं। उसी से मैं अपने फीचर्स को डिफाइन कर लूंगी, मेकिंग श्योर कि आईब्राउज, आईज बहुत ही अच्छे से डिफाइन हो जाएं। अब इस आई शैडो क्वाड से मैं ब्राउन कलर लूंगी एंड सिंपली अपनी आईब्राउज को एक लाइट सी शेप प्रोवाइड करूंगी। ऐसी छोटी छोटी आई शैडो पैलेट्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट करें क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल होती हैं। सी, एक सिंपल से आई शैडो क्वाड से मैंने अपनी आईब्राउज भी कर ली, अब मैं अपनी आईज को भी डिफाइन कर लूंगी एंड आई शैडो भी लगा लूंगी। नो, आवर आईज कैन स्पीक अ लॉट, इसीलिए मैं हमेशा आईज एंड आईब्राउज को अच्छे से डिफाइन करती हूँ। Also, if you guys like to tightline your eyes, Indian women have beautiful eyes, and specially अगर उस पे काजल लगा दिया जाए तो आहा, they look next level beautiful. Invest in a nice काजल, ये 150 तक का आ जाएगा। एक छोटी सी टिप, क्योंकि आईज हमारी बहुत ही सेंसिटिव होती है, मेक श्योर कि जो आप काजल यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो। एंड बाई ऑर्गेनिक आई डोंट मीन कि ये बहुत एक्सपेंसिव होना चाहिए। कुछ ऑप्शंस मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। हमारी आईज तो हो गई, व्हाट अबाउट आवर चीक्स? सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ लिपस्टिक, यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ लिप एंड चीक टिंट, और वो भी ऑर्गेनिक। कोई भी मेकअप बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, सो दिस इज द चीपेस्ट आई कुड फाइंड। एंड आई एम गोना फिनिश ऑफ विद सम मस्कारा, बिकॉज़ ये मेरा लास्ट स्टेप होता है। इससे आपकी आईज खुली लगेंगी, जो कि एक अपीयरेंस देगा कि आपकी आईज बहुत ही बड़ी है। आईब्राउज, आईज, लिप्स, चीक्स, आईलैशेस एंड यू आर सॉर्टेड। बाकी हैक्स के वीडियो में मैंने आपको हेयर रिमूवल प्रोसेस बताया। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी ने नोटिस किया है कि शेविंग के 3-4 दिन के अंदर ही हम सभी को स्ट्रॉबेरी लेग्स फेस करने पड़ते हैं। वेल, नॉट एनी मोर। अगर हम अपने हैंड्स एंड लेग्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें तो स्ट्रॉबेरी लेग्स को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। एंड फॉर दिस मैं यूज करूंगी मिनियंस गोइंग बनानास बॉडी योगर्ट। ओह माय गॉड, मिनियंस एंड द स्मेल ऑफ बनानास, दिस हैज अ माउथ वाटरिंग बनाना फ्रेग्रेंस। आफ्टर दिस यू लिजिट स्मेल लाइक अ स्नैक। प्लम बॉडी लवन हैज पार्टनर्ड विद मिनियंस टू क्रिएट अ क्यूट एंड डिलीशियस रेंज। दिस हैज अ वेरी लाइट वेट, कूलिंग एंड हाइड्रेटिंग टेक्सचर, बिकॉज इसमें एलो इन्फ्यूज्ड है, which means it is perfect for summers. Now 250 grams of the product you're getting for 525 rupees. And ये एक वीगन एंड क्रूल्टी फ्री फॉर्मूला है। पे मैं कोई बॉडी योगर्ट ढूंढती हूँ, आई मेक श्योर कि वो हैवी बिल्कुल ना हो, लेकिन समर्स के अंदर हैवी फॉर्मूला स्किन को बहुत चिपचिपा बना देते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे डीएम पे पूछा था कि स्ट्रॉबेरी लेग्स का रीजन क्या है। स्ट्रॉबेरी लेग्स के बहुत सारे रीजन है, बट सबसे ज्यादा कॉमन रीजन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो आई विल डेफिनेटली से शेविंग एंड वैक्सिंग। गलत तरीके से शेविंग करने से या फिर गलत तरीके से वैक्सिंग करने से ग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि अल्टीमेटली लीड करता है स्ट्रॉबेरी लेग्स में। एंड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने हैंड्स एंड लेग्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करना। प्लस अगर आप अपने हैंड्स एंड अपनी बॉडी को अच्छे से नरिश करेंगे तो इससे आपकी स्किन हेल्दी भी लगेगी और इंस्टेंटली अट्रैक्टिव भी लगेगी। ऑलवेज स्मेल फ्रेश एंड गुड व्हेन यू आर मीटिंग समबडी। व्हेन यू आर ऑल सेट टू गो एंड सडनली आपको अपनी आर्मपिट से काफी अनप्लेजेंट स्मेल आए, उसके लिए स्पेसिफिकली स्टिक टू द परफ्यूम्स जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग हो। एस दीज परफ्यूम्स डोंट हैव टू बी एक्सपेंसिव एट ऑल। मेरी करंट फेवरेट है ये प्लम बॉडी लवन ट्रिपन मिमोसास यूडी परफ्यूम। मुझे स्पेसिफिकली ऐसी परफ्यूम्स बहुत पसंद है जिनके फ्लर्टी नोट्स हो, सुपर ट्रैवल फ्रेंडली, सुपर क्यूट एंड स्मेल्स अमेजिंग। प्लस ये सब 295 की है। इन केस इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, आई एम गोना बी लिंकिंग ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बार बिलो। एंड ऑल्सो यूज माय कोड शिफाली15 एंड अवेल अ फ्लैट 15% ऑफ ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। लाइक सी, look at this amazing PR package. You know minions are my favorite characters of all time. So as minions going bananas collection ke andar, I got a body wash, an exfoliator and a body yogurt. Absolutely loved it. Do check it out. On to our hack number 4, which is smooth and shiny hair. Let's be honest, हम बालों को बहुत ज्यादा हेयर ऑयल नहीं कर पाते, चाहे वो हमारा बिजी स्केड्यूल हो या हमारी पर्सनल प्रेफरेंस, बट इसका रिजल्ट होता है ड्राई एंड फ्रिजी हेयर। बट अगर आप ये मास्क वीकली लगाएंगे काफी हद तक आपके बालों की ड्राइनेस कम हो सकती है। एक बोल में अपने हेयर लेंथ के हिसाब से आपको लेनी है दही। टू दिस आप एड कर सकते हैं फुल एग। अगर आपको एग यूज करना पसंद नहीं है तो आप इसमें बनाना
यूज कर सकते हैं, आपके बालों को अच्छे से कंडीशन करेगा। इसके बाद आप इसमें कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल ऐड कर सकते हैं। हेयर वॉश करने के एक घंटे पहले आप इस हेयर मास्क को अपने बालों पे लगा लें। इस हेयर मास्क को अपने हेयर एंड्स पे जरूर अप्लाई करें, क्योंकि हमारे हेयर एंड्स ही वो एरिया है जो सबसे ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं। इसे लगाने के एक घंटे बाद आपको रेगुलर हेयर वॉश करना है किसी भी जेंटल शैम्पू से, एंड उसके बाद अपने बालों को एयर ड्राई होने देना है। उसके बाद किसी भी वुडन कॉम की हेल्प से आप अपने बालों को डिटैंगल करें। किसी को भी बालों में लॉक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, सो मेक श्योर कि आप हेयर के एंड से स्कैल्प तक अपने बालों को डिटैंगल करें। अपने बालों को अच्छे से कॉम करें, एंड उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने बालों पे आप एक सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। सीरम से आपके बाल बहुत इजीली डिटैंगल हो जाएंगे। बहुत से ऐसे सीरम्स हैं जो आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, एंड हु डजंट लाइक शाइनी एंड हेल्दी लुकिंग हेयर। Coming to our last hack, which is glowing skin. Another query जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, and वो है for stretch marks. Stretch marks बहुत ज़्यादा common है, and ये generally तब होता है जब हमारी skin stretch होती है, जैसे कि हमने heavy weight loss किया या pregnancy. Skin में stretch marks का होना बहुत ही common है, but इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी मनपसंद dresses नहीं पहन पाते। जो मेरे armpits and thigh के around बहुत सारे stretch marks से treat करने के लिए मैं use करती हूँ stretch mark oil. Stretch marks को permanently नहीं हटाया जा सकता, however रेगुलर मसाजेस से आप काफी हद तक इसे अपीयरेंस में कम कर सकते हैं। स्किन केयर को मैं हमेशा टॉप इम्पोर्टेंस देती हूँ। एक मास्क जिसने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करा है वो है चंदन एंड टर्मरिक मास्क। ये एक सिंपल दो इंग्रेडिएंट्स का फेस मास्क है जो कि आप इजीली घर पे बना सकते हैं। आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी होम रेमेडी को ट्राई करने से पहले इसे पैच टेस्ट जरूर करें। यहाँ पे मैंने एक टेबलस्पून चंदन पाउडर लिया है और एक टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर। इसे अच्छे से एक थिक पेस्ट बनाने के बाद मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। चंदन मैं तब यूज करती हूँ जब मेरे फेस पे छोटे छोटे बम्स आते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सूदिंग मास्क है जो मुझे मेरे पिंपल्स से बहुत दूर रखता है। टर्मरिक फेस को एक बहुत ही सुंदर सा ग्लो देगा। इस फेस पैक को यूज करने के बाद आप अपने फेस पे आइसिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो क्यूकुम्बर का जूस बना के उसे फ्रीजर में फ्रीज करें। फ्रीज करने के बाद इन छोटे छोटे आइस क्यूब से आप अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं। फेस पे आइस यूज करने से टेम्पररी रेडनेस डेफिनेटली हो सकती है, बट इट इज नॉर्मल। अगर आपकी स्किन इरिटेट हो या इचिंग हो तब उसे डिसकंटिन्यू करें। फेस पैक से आपकी सारी फेस की इम्प्यूरिटीज निकल जाएंगी, एंड उसके बाद क्यूकुम्बर बहुत ही सूदिंग होता है नेचर में, तो इससे आपके फेस को एक फर्मनेस मिलेगी, एंड उसके साथ ही एक बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा। क्यूकुम्बर को तो आप नॉर्मल टोनर की तरह भी यूज कर सकते हैं। एक हफ्ते में दो बार इसे डेफिनेटली ट्राई करें, एंड मुझे जरूर बताना। हमारे 5 हैक्स तो कम्प्लीट हो गए, बट अब बोनस हैक। हमारे हैंड्स हमारी पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, एंड ऑनेस्टली हेल्दी नेल्स को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और ना ही पैसे। सिंपली एक नेल कटर की हेल्प से अपने नेल्स को ट्रिम करो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। नाउ इफ यू वांट तो आप कुछ कूल समर कलर्स अपने नेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। I hope that you guys like the video. If you did like the video, then do consider subscribing to my channel. मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, एंड आई विल सी यू गाइस विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।